नमस्कार दोस्तों, पासपोर्ट टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं ऋषिकेश, और अभी मैं आया हूं लक्ष्मण झूला पे। पर अभी लक्ष्मण झूला कंस्ट्रक्शन के कारण बंद है। वो मेरे सामने जो आप पीछे देख रहे हैं वो लक्ष्मण झूला, और लक्ष्मण झूला के ऊपर पास में ये मंदिर है। ये राफ्टिंग करते हुए बोट सारी दिख रही होगी। आगे मैं आपको बताऊंगा राफ्टिंग के क्या क्या चार्जेस हैं यहाँ पे और कहाँ से होती है, कैसे आप बुक कर सकते हैं। लक्ष्मण झूला के बैक साइड में एक ये मार्केट है छोटा सा। तो अभी मैं पैदल ही राम झूला की तरफ जा रहा हूँ, जो कि लक्ष्मण झूला से 2 किलोमीटर के करीब पड़ता है। तो अभी मैं आ चुका हूँ राम झूला के ऊपर। इसको झूला इसलिए बोला जाता है, एक तो ये पुल पूरा केबल से बंधा हुआ है और थोड़ा थोड़ा ये हवा में झूलता भी रहता है। और इस पुल के ऊपर से सिर्फ पैदल यात्री या फिर 2 व्हीलर्स दो ही निकल सकते हैं, 4 व्हीलर्स अलाउ नहीं है यहाँ पर। तो अभी मैं राम झूला के सेंटर में पहुँच गया हूँ। काफ़ी अच्छी और तेज़ हवा चल रही है, और यहाँ से ऋषिकेश का और गंगा नदी का पूरा व्यू। आप यहाँ से इस छोर से उस छोर जाना चाहते हैं तो ये नदी में बोट से भी आप नदी पार कर सकते हैं। राम झूला के अपोजिट साइड ये परमार्थ घाट है, और ये यहाँ का मार्केट है जिसमें आप परचेजिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा आपको बार्गेनिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आया हूँ परमार्थ निकेतन। ये सामने परमार्थ निकेतन आश्रम है, और इसके ठीक अपोजिट साइड में इस तरफ ये वो शिवा स्टेचू है जो गंगा नदी के बीच में बना हुआ है। सामने परमात्मा निकेतन का घाट है। अब हम चलते हैं परमात्मा निकेतन आश्रम के अंदर। यहाँ पर आपके रुकने और भोजन की भी व्यवस्था है। आप ऑनलाइन बुकिंग करा कर भी यहाँ पर आ सकते हैं। पीछे मेरे परमार्थ निकेतन का ये घाट है। दोस्तों, उस तरफ मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे राम झूला है इस मूर्ति के पीछे, और राम झूला के बगल में इस तरफ ये जानकी पुल है। सामने जो आपको पुल दिख रहा है इसको जानकी पुल बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी जो मैंने देखे हैं वो 3 पुल हैं यहाँ पर। एक राम झूला हो गया, एक लक्ष्मण झूला जिस पर अभी काम चल रहा है, और लोग कह रहे हैं कि करीब 1 साल और लगेगा उसको, उसके बाद ही वो खुलेगा। और तीसरा जो ये पुल है, ये जानकी पुल। दूसरी बात, अगर जैसे राम झूला है उसके आप इस साइड हैं जिस साइड अभी मैं हूँ, तो आपको सारे मंदिर आश्रम और यही चीज़ें देखने को मिलेगी। और अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और राफ्टिंग और कैंपिंग इन सब चीज़ों के शौकीन हैं, तो फिर आपको राम झूला के उस साइड जाना पड़ेगा, सामने की साइड। सामने की साइड सारी वो ट्रैवल्स वाले हैं और इसके राफ्टिंग की बुकिंग वाले और वो सब लोग हैं, उनकी शॉप्स हैं, तो वहाँ आप बुकिंग उसकी करवा सकते हो। दूसरा, राफ्टिंग का मैंने इनसे पूछा था तो अभी सिर्फ 12 किलोमीटर की राफ्टिंग मेरे को बताई कि 12 किलोमीटर की राफ्टिंग चल रही है, क्योंकि अभी गंगा जी का बहाव बहुत तेज़ है, इसलिए इससे जो ज़्यादा किलोमीटर वाली राफ्टिंग थी वो अभी इन्होंने बंद कर रखी है। बाकी इसके अलावा ये 16 किलोमीटर और 32 किलोमीटर ऐसा कुछ पहले होती थी, पर वो अभी बंद कर रखी है। और जो 12 किलोमीटर वाली राफ्टिंग का इन्होंने चार्जेस बताया है वो 600 रुपीज़ इन्होंने बताया है। कुछ यहाँ पे कैंप्स भी हैं जो थोड़ा सा सिटी से आपको 5-7 किलोमीटर बाहर जाने पे मिलेंगे, तो वहाँ ओवरनाइट स्टे कर सकते हो आप कैंप में। ये सारी फैसिलिटीज़ भी है यहाँ। दोस्तों, ये है चोटी वाला रेस्टोरेंट। ये ऋषिकेश का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आप खाना भी खा सकते हैं, नाश्ता भी कर सकते हैं। बाहर इन्होंने एक बाबा जी बिठा रखे चौकी वाले, और पूरे ऋषिकेश में बहुत ही फेमस है। आप कहीं भी पूछेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा।
दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश का वो रूप देखना चाहते हैं जैसे कि साधु संतों की कुटियाएँ और उनके दर्शन, तो आपको स्वर्गाश्रम रोड पर आना चाहिए। यहाँ आपको लाइन वाइज साधु संतों की कुटियाएँ देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अभी मैं हूँ शत्रुघ्न घाट पे। आपको इस रामझूला के इस पार से उस पार तक जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सारे जो मंदिर और आश्रम वगैरह हैं वो इधर सामने की तरफ ही हैं, तो आपको वो देखने के लिए भी उधर जाना पड़ेगा। तो कई बार जैसे मैं सुबह आया था तो यहाँ पर काफ़ी जाम लगा हुआ था, तो ऑटो वाले लंबा रूट करके आना पड़ता उनको, तो वो आपसे कुछ ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ से एक सुविधा यह है कि बोट, यहाँ से गंगा पार के लिए बोट जाती है, तो आप यहाँ से इस बोट से भी, ये 40 रुपये मात्र इसका टिकट है, और उस पार जा सकते हो रामझूला के उस पार। और वहीं शत्रुघ्न घाट के इस तरफ ये सारा बोट जो है राफ्टिंग की बोट से दूर तक आप देखोगे, झूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, सारी जो बोट्स लगी हुई है यहाँ पे, ये सारी राफ्टिंग की बोट्स लगी हुई है। इस साइड ये जानकी पुल है जो मैंने पहले आपको दिखाया था, ये जानकी पुल है यहाँ का। दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ ऋषिकेश की गंगा आरती देखने। अब ऋषिकेश आते हैं तो गंगा आरती आपको ज़रूर अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो गंगा आरती है वर्ल्ड फेमस है। और ये यहाँ का नाइट मार्केट है, नाइट में भी आप मार्केट में घूमते हैं, बहुत अच्छा लगता है ख़रीदारी करना, घूमना, गंगा किनारे बैठना, आपको बहुत ही आनंद का अनुभव होगा।